रात दूध दूध पिए पिए बगैर ही बगैर ही सो सो गया। गया। क्या क्या दूध दूध में में ऐसा ऐसा कुछ कुछ था था जिसका जिसका बिल्ली बिल्ली पर पर यूं यूं असर असर हुआ हुआ कि कि वो वो बेहोश बेहोश हो हो गई? गई? मगर मगर दूध दूध में में ऐसा ऐसा क्या क्या मिलाया मिलाया गया गया था? था? या या अल्लाह, अल्लाह, ये सब ये सब क्या क्या हो हो रहा रहा है? है? मेरे मेरे मौला, मौला, मेरी मेरी मदद मदद फरमा। फरमा। जी मैडम, आपने बुलाया था? अबान की प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन? मैडम वो तो सब कुछ रोशनी मैडम के पास होते हैं, और अबान बाबा की एक एक चीज रोशनी मैडम देखती हैं, तो वो सब उनके पास है। अच्छा चलिए ठीक है, आप जाए, मैं भी नाश्ता जी बना चाहूँ। ये सब क्या है? मैडम आज सारा कुछ निमरा भाभी ने बनाया है। मैंने तो मना भी किया था कि इस घर में ऐसा नाश्ता पसंद नहीं किया जाता, लेकिन भाभी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे वाह भाई निम्मो, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या शौक है तुम्हारा। वैसे आपस की बात है भाभी, कभी कभी ऐसा नाश्ता कर लेना चाहिए, बंदा मोटा नहीं हो जाता। आप तो चुपी रहिए, इस घर के असूल रीना भाभी ने जो बना दिया ना, सो बना दिया। किसी की हिम्मत नहीं उन असूलों को तोड़ने की। निम्रा, आपको यह सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अबान का ख्याल रखिए। किचन में मुलाजमों की तरह काम करना आपको जेब नहीं देता। You got it? जी मॉम। निम्मो, निम्मो ये इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ, थोड़ा सा खिला दो प्लीज। निम्मो ये तो बहुत टेस्टी है, अबान को बहुत अच्छा लगा। तुमने ये कल भी बनाना, अबान कल भी खाएगा। हाँ हाँ भाई, अबान भी खाएगा और हम भी खाएंगे। टेस्ट तो है आपके हाथ में निम्रा भाभी। तुम चुप करके नाश्ता करो। मॉम, आप भी ट्राई करें, बहुत मजे का बनाया है निम्मो ने, बहुत अच्छा है। निम्मो दो, मामा आप भी लो। जी निम्रा, क्या बात है? मोम्बू, मैं आपसे एक परमिशन लेने आई थी। एक्चुअली अबान को आइसक्रीम खिलाने लेके जाना चाहती हूँ। एक्चुअली उनको स्टोरी बुक्स भी चाहिए थी, तो सोचा वो भी वापसी पे दिलवा दूंगी, ओनली इफ यू अलाउ। सो निम्रा, आप अपने साथ रोशनी को ले जाइएगा, वो अबान को संभाल लेती हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, वरना आपको मुश्किल होगी। इतनी छोटी छोटी चीज के लिए आंटी को क्या सहमत देनी? वैसे भी अबान मेरे साथ जाना चाहते हैं, एंड आई प्रॉमिस मैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी।
तो ठीक है, फिर आप आलम को अपने साथ ले जाइए, वरना आप परेशान होंगे। जी थैंक यू। निम्रा जी, आपके हाथ में बहुत जायका है, हम दोबारा से आपके हाथ की पूरियां खाना चाहेंगे। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप हर वक्त हमें किचन में नजर आए। थैंक यू मॉम, बिल्कुल जाइए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग आज घूमने जा रहे हैं, आपके लिए आइसक्रीम लेंगे, स्टोरी बुक्स लेंगे और क्या प्यारी निमो, और खूब सारा एंजॉय करेंगे। चलें जल्दी करें वरना देर हो जाएगी। चलें। मैडम, वो निमो भाभी सुबह पूछ रही थी अबान बाबा की दवाइयों की तफसील, और कह रही थी कि कौन सी दवा दी जाती है, कब दी जाती है वगैरह वगैरह। क्या ये क्यों पूछ रही दवाइयों की तफसील, और क्या कहा तुमने उससे? मैंने क्या कहना था, बस बोल दिया कि अबान बाबा की एक एक दवाई का हिसाब रोशनी मैडम के पास होता है। अब ये तो आप ही जानती है ना कौन सी दवा कब देनी है। ये चल क्या रहा है इस निम्मा के दिमाग में, शक्ल से जितनी भोली दिखती है ना उतनी है नहीं। आखिरकार ये क्यों पता करना चाहती है अबान की दवाइयों के बारे में, और वो भी तुमसे? मैडम हमें जल्द पता लगाना होगा आखिर ये निम्मा भाभी करना क्या चाह रही है। चल जरा जाओ उस महारानी को बुला कर तो लाओ। मगर वो तो घर पर नहीं है। क्या घर पर नहीं है, कहाँ गई है? वो अबान बाबा के साथ बाहर गई है, कह रही थी कि अबान बाबा को किताबें दिलानी है। उसे पूछना तक गवारा नहीं किया, मुझे बताया तक नहीं उसने। रीना भाभी को बताती हूँ, सुबह की तरह ना फिर जलील होगी, समझती क्या अपने आप को, ये नहीं मिलता। जाओ मेडिक चाय लेके आ। जी निमो, जल्दी फिनिश हो ना, अबान फिर और भी खाएगा। तो पता है जब अबान मामा के साथ आता है ना तो 3-3 आइसक्रीम खाता है एक साथ। अबान आज आप सिर्फ एक आइसक्रीम खाएंगे वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गंदी बच्ची बैड गर्ल, तुम्हें पता है ना अबान आइसक्रीम बहुत लाइक करता है, तुम मुझे आइसक्रीम ज्यादा खाने दोगी ना प्लीज? गंदी बच्ची बैड गर्ल, सुनती ही नहीं है मेरी बात। अबान बुरी बात, अच्छा अगर आप यहाँ पे गुड बॉय बन के बैठोगे ना फिर आपको एक और आइसक्रीम मिलेगी। हाँ मुझे कॉल करने के लिए जाना है, यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे, ठीक है? मैं 2 मिनट में वापस आ रही हूँ, यहीं बैठे रहना और ये आइसक्रीम भी खा लो, ठीक है? चल जल्दी आ, जल्दी आ जाना, और भी खाऊंगा इसके बाद भी खाऊंगा। खत्म हो गई इसकी, खा लेता हूँ। कैसी हैं आप? हेलो, एक्चुअली डॉक्टर वो अबान को मैं सबके सामने हॉस्पिटल नहीं लेकर आ सकती थी, और जो बात मुझे आपसे करनी है वो सबके सामने नहीं हो सकती। ऐसी भी क्या बात है निम्रा? डॉक्टर साहिबा मैं अबान की तरफ से बहुत परेशान हूँ। डोंट वरी, मैं अबान की बचपन से डॉक्टर हूँ, मिसेस रीना और हमारा बहुत पुराना साथ है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। आप ज़्यादा परेशान ना हो, जो बात है आप मुझे खुल के बताएं। डॉक्टर साहिबा एक्चुअली रात को ना अबान के लिए दूध आया, वो दूध मैं अबान को दे नहीं सकी और मैंने जल्दी जल्दी में बस बिल्ली को डाल दिया। मैंने देखा कि वो बिल्ली ज़मीन पर तड़प रही और फिर अचानक एकदम से बेहोश हो गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है डॉक्टर साहिबा। निम्रा तुम्हें ऐसा लगता है कि दूध में ही कुछ था? डॉक्टर हो सकता है कोई ऐसा तरीका है जिससे मालूम हो जाए कि उस दूध के अंदर कुछ था या नहीं। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है डॉक्टर साहिबा इस वाक्य के बाद अबान को लेकर। उसके लिए तो हमें दूध का सैंपल चाहिए होगा, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। रीना हाउस में सब अबान को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, भला ऐसा कोई क्यों करेगा? अल्लाह करे ये मेरा वहम हो।
मेरे अबान को कभी भी कुछ ना हो, अब उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा सुनो, एक तो तुम मुझे दूध का सैंपल ला के दो, और अबान के लिए जो दूध आता है तो आज भी वहीं से आएगा। तो मैं तुम्हें एक टेस्ट व्हाट्सएप कर रही हूँ, तुम अबान का वो टेस्ट करवा लो। तो तुम परेशान ना हो। जी ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आ जाएं आप लोग, सबसे पहले डिनर कर लें। बेटा इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, आओ हमारे पास बैठो। मैं जरूर बैठूंगी, लेकिन सबसे पहले आप लोग आके खाना खा लीजिए। मिसेस रीना, आपकी बहू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा मैंने सुना था कि ये सोशल वर्कर ताहिरा जो है उनकी रिलेटिव है। काफी अरसा हो गया ताहिरा से तो मुलाकात ही नहीं हुई। जी जी लेकिन मिसेस जहारा, निम्रा हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी है। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। देखे ना, कौन ऐसी बहू है जिसको इतनी खुली आजादी मिलती है, जो जी में चाहे करती है। हाँ ठंडा हो जाएगा, चलिए ना आइए। अच्छा जी, तो गिटार बजाया जा रहा है, तभी निम्मो को भूल गए। नहीं प्यारी निम्मो, तुम मेरी सोल हो ना, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा अब मैं सोल बन गई, वैसे तो मैं बैड गर्ल होती हूँ। ये क्या है, हम आज डाइनिंग रूम में डिनर क्यों नहीं कर रहे? वो नीचे गेस्ट आए हुए हैं ना, मैं नहीं चाहती अबान को कोई भी डिस्टर्ब करे। निम्मो तुम्हें पता है तुमने मुझे कहा था ना कि हम आउटडोर कोई भी एक्टिविटी करें, घर पे आके किसी को नहीं बताना। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने नहीं बताया कि मैंने कितनी आइसक्रीम खाई आज। आप खाना खत्म करें जल्दी से, फिर हो सकता है आज अबान को आइसक्रीम भी मिल जाए। तुम खिलाओ ना, मैं गाना गाता हूँ। अच्छा गिटार तो साइड पे रखें ना, गिटार साइड पे रखें फिर खाना खाएं। मजे का तुमने बनाया। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, बस जल्दी जल्दी शादी की तैयारी शुरू कर दें। खैर मुबारक। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो। निम्रा बेटा सबका मुंह मीठा कराओ। जी जी निम्रा जाओ। क्या कर दिया प्यारी निम्मो ने? कहाँ थी तुम? पता है ना अबान कब से वेट कर रहा है। नीचे गेस्ट आए हुए थे ना अबान, और अच्छा थोड़ी लगता है कि मिसेस अबान वहाँ पर ना हो। आप तो ऊपर भाग कर आ गए गेम खेलने के लिए, इसीलिए मैं नीचे थी। अच्छा चलें अब ये दूध पी लीजिए, फिर हम स्टोरी रीड करेंगे। हुँ? ये क्या कर रही हो? अबान आपने बोलना नहीं है, हम एक गेम खेल रहे हैं, अगर आप चुप रहोगे बताओगे नहीं तो हम जीत जाएंगे, ठीक है? क्या बात है, दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ और खोलने में इतनी देर क्यों? जी वो अबान को स्टोरी सुना रही थी ना, इसलिए पता नहीं चला कैसे लॉक हो गया। खैर अबान माय बेबी, लीजिए मामा आपके लिए दूध लाई। मैं रख लेती हूँ ना ये। एक्चुअली आंटी वो अबान ने अभी अभी खाना खाया है,
अगर फौरन दूध पी लेगी तो उनका पेट खराब हो जाएगा। बदतमीज तो तुम थी, ये तो मुझे पहले से पता था। बदतमीज भी हो कि आज मैंने देख लिया। खैर अब इसको दूध दे देना, समझ आ रही है ना? भूलना मत। जी आप फिक्र मत करें। क्या कर रहा है मेरा अबान बेबी? मामा अबान ना गेम खेल रहा था, ये वही देखे। वाओ तो जीत तो जाहिर है मेरे अबान की होगी। आपको पता है अबान ना गेम बहुत अच्छे से खेल रहा है और सारे रूल्स भी फॉलो कर रहा है ना निम्मो? इसको क्या पता कि गेम कैसे खेल? तो मेरे अबान को ही पता है ना। दूध देना मत भूलना, समझ आ रही है ना? ओके बेबी गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जा रही हो? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दूध का सैंपल है, इसको टेस्ट करना है, बाकी डिटेल्स आपको डॉक्टर परवाना बता देंगे, ठीक है? ओके थैंक यू मैम। नाफिस। निम्रा इधर आओ। जी आंटी। ये क्या चल रहा है यहाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या कह रही हैं आंटी, मुझे समझ नहीं आ रही। ये जो ग्लास पड़ा ना सामने, ये ग्लास सफाई के दौरान अबान के बेड के नीचे से मिला है। तो तुम्हें कुछ होश भी है कि घर में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉरी आंटी, वो मैं अभी किचन में रख देती हूँ, अबान ने गलती से रख दिया होगा। और तुम कहाँ से आ रही हो? वो मैडम ताहिरा के पास गई थी मैं। ताहिरा मैडम, तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का ही ख्याल कर लो। कुछ अंदाजा है कि बार बार उस यतीम खाने में जाना भाभी की रेपुटेशन के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ परवाह ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है। भाभी मैं आइंदा नहीं जाऊंगी। बस बस जाओ यहाँ से, शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी मुझे। जाओ। ये क्या तुम मुझे इतनी घूर घूर के देखे जा रहे हो? देख रहा हूँ तुम कितनी खूबसूरत हो और मैं कितना लकी। तुम जानती हो मेरा शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद रातों रात उनका गाँव में थे और मैंने फौरन शादी का इरादा कर लिया। जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। तुम जानती हो अगर तुम शादी के लिए इनकार कर देती ना तो मैं तुम्हें किडनैप करवा देता। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, काम की बात करें। Why not? बोलो क्या बात है? सयान हमारी शादी तो हो रही है, शादी की सारी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं उन आम लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि जो घूंघट डाल के निकल नाम पर साइन कर दे। मेरी कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड? और वो क्या है? मेरा हक महर कितना होगा? तुमने मुझे यहाँ ये बात करने के लिए बुलाया? मैं तो समझा था कि आज कोई धमाका करोगी तुम। जान, I'm serious. Yes, you are. चलो इतना बता देता हूँ कि शादी के बाद जो कुछ मेरा वो तुम्हारा होगा। और वो तुम्हारा कजिन? I think उसका नाम अबान। रीना आंटी का इकलौता बेटा है। और जहाँ तक मैंने सुना है,
सारे बिजनेस का मालिक वही है। आर यू मैड? किसने कहा ये तुमसे? अरे उस पागल की कोई वैल्यू नहीं है हमारे घर में। उसका रीना ग्रुप ऑफ कंपनीज में होना ना होना बराबर है। असली वारिस तो मैं हूं, वाहिद वाहिद। बड़ी मॉम के बाद सब कुछ मेरा होगा और शादी के बाद तुम होगी मिसेज जयान, रीना ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्ष। अगर आपकी बातें कंप्लीट हो गई हो तो हम कुछ खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। आफ्टर यू। जी बाबर साहब। जी ठीक है, हाँ आप उनसे बात कर लीजिए। जी जी मैं वहां जा रही हूँ मीटिंग के लिए, वहां देर हो जाएगी। ठीक है ओके, आपसे बाद में बात करती हूँ। जी बाय। निम्रा बेटा आप क्यों लेकर आई हमारे लिए ग्रीन टी? आलम से कह दी थी। मॉम मुझे आपके काम करना अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा। निम्रा आपको हमसे कोई बात करनी है? अगर ऐसा है तो आपको हमसे बात करने के लिए छोटे छोटे बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हमसे किसी भी वक्त कोई भी बात कह सकते हैं। मॉम वो कल अवान की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको ले जाऊं? निम्रा बेटा ऑनेस्टली ये सारे काम हमेशा से रोशनी ने किए हैं। हमने तो सिर्फ अभान को पैदा किया है, अभान को पालने में, उनको इतना बड़ा करने में, उनके सारे काम करने में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा से रोशनी की ही रही हैं। आप रोशनी को भी साथ ले जाइए हॉस्पिटल, वो वैसे भी अभान के ट्रीटमेंट में काफी कंसर्न है। मॉम अभान भी आंटी के साथ बहुत अटैच है, पर अब अभान की सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। उनकी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बनाना, उनका ख्याल रखना, इट्स माय जॉब। और मैं आंटी को इन जरा जरा चीजों के लिए परेशान नहीं करना चाहती। अगर आप इजाजत दें तो मैं अबान का अपनी जिंदगी से भी बढ़ के ख्याल रखूंगी। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम, ये मेरा वादा है आपसे। आपकी ये सिंसेरिटी देखकर हमें अबान की किस्मत पे रश आता है और हमें ये लगता है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो फिर मॉम मैं अबान को लेके जा सकती हूँ? ये हमारे पास को आप लेकर जा सकते हैं। थैंक यू। और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये आपकी सुबह की रिपोर्ट्स हैं, जो अभी वाली हैं वो शाम में आ जाएंगी। थैंक यू। वेलकम। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, बस ऐसी हो। हो तुम्हें क्या गम, चले जाऊं। क्या बात है भाई, लगता है आज हमारी रोशनी मैडम को फिर किसी ने सताया। तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना?
मजा आता है ना मुझे सबके सामने इस तरह जलील होते देखकर। मतलब पूरी जिंदगी तुमने शायरी के अलावा किया ही क्या है? और आपकी सारी जिंदगी गुजर गई मुझे इस बात पे ताने देते देते, लेकिन आप थकी नहीं? थक गई हूं मैं सिकंदर, पुराने सामान की तरह उठाकर मुझे साइड में फेंका जा रहा है। और वो जो कल की आई नई लड़की है, उसको हर चीज में आगे लाया जा रहा है, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रोशनी, निम्रा तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। कहां वो कहां तुम, वो एक मामूली सी कमजोर सी लड़की, और कहां हमारी मैडम रोशनी सिकंदर। मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा, ठीक कह रहा हूं। कहां तुम कहां वो, ये सब कुछ आप ही का तो है। और भाभी जान हर जगह तुम्हें अपने साथ रखती हैं, फिर क्यों डरती हो उस मामूली सी लड़की के साथ? मैं डरती नहीं हूं, लेकिन वो कहते हैं ना, चूंटी भी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए ना, तो उसकी जिंदगी हराम करके रख देती है। मैं वो हाथी नहीं, मैं उस निम्रा को सड़क पर ले आऊंगी। अरे यार, क्या तुमने निम्रा निम्रा की रट लगाई? बंद करो ये निम्रा नामा। आखिर हमारे इकलौते बेटे ज़ियान की शादी हो रही है, कोई मजाक नहीं है। जाओ जाकर लॉकर से पैसे लो और शॉपिंग करो, और देखो कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। पूरी दुनिया देखेगी सायान की शादी, और अबान की बर्बादी। अच्छा जाओ ना, सायान की शादी, अबान की बर्बादी। अरे वाह, ये तो शेर हो गया। कमाल कर दी है रोशनी बेगम आप। जी डॉक्टर साहब, जी जी, मैं इंशाल्लाह कल रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ आपके पास, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज। ये क्या बदतमीजी है? अपने जेठ से ऐसे बात नहीं करते, किसी ने सुन लिया तो? वैसे कहाँ है वो पागल? हाँ, सो रहा होगा यकीनन। दो ही तो काम आते हैं उसे, या तो स्टोरी सुन लेगा या पेंटिंग बना ले। धरती पे पहुंच। मेरा अबान आप जैसे नॉर्मल लोगों से बहुत अच्छा है, एटलीस्ट रिश्तों का तकद्दस तो आता है ना उसको। व्हाट अ डायलॉग, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं? प्यारी निम्बो, आपकी शादी होने वाली है ना, अब तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिए, अपनी सिंसेरिटी अपनी वाइफ के लिए बचा के रख लें। शादी हो रही है तो क्या, लाइफ एंजॉय करना बंद कर दो जैसे तुमने किया उस दीवाने पागल के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोट के। देखो अभी भी वक्त है, मैं तो मान गया हूं, तुम भी मान जाओ ना। वाह रे पागल, क्या किस्मत पाई है, पागल की बीवी वो भी इतनी सिंसियर। भाभी ये लीजिए अबान बाबा के लिए दूध। अबान के लिए? जी लीजिए, किचन में बहुत सा काम पड़ा है। निम्मो।
माफ करना, मेरी वजह से ये ग्लास टूट गया। दीदी इट्स ओके, कहाँ चाहिए मैं अभी उठा। अरे अरे तो क्या कर रही हो, इन कामों के लिए मुलाजिम मौजूद है घर में, अब तुम परेशान मत हो। जी अंकल मैं फरजाना से कह देती हूँ, आप कहीं जा रहे हैं, आप जाइए। हाँ वो एक अदबी महफिल है वहां जा रहा था। एक बात पूछूं, तुम्हें शेर व शायरी से दिलचस्पी है या तुम भी इन लोगों की तरह ही? नहीं वो थोड़ा बहुत शौक है, बुक्स मिले तो पढ़ लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो बस फिर तय हुआ कि अब नेक्स्ट मुशायरे में जब मैं जाऊंगा तो तुम मेरे साथ जाओ, ठीक है? मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। रोशनी हम आबान की वजह से बहुत परेशान हैं, आज उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था लेकिन निम्रा उन्हें लेकर ही नहीं गई। क्या निम्रा उसको नहीं लेके गई? लेकिन वो दोनों तो घर से बाहर गए थे। वो दोनों गए थे लेकिन आबान के जिद करने की वजह से निम्रा और वो किसी आइसक्रीम पार्लर पे चले गए। अब दिस इज टू मच, मैं निम्रा से इस तरह की इरेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। हबीब मैं उसे समझा दूंगी, थोड़ा सा वक्त देना निम्रा को, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। नहीं नहीं रोशनी, आबान के मामले में हम कोई रिस्क ले ही नहीं सकते, हर गुजरता दिन उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ एक काम करेंगे, आप कल आबान को डॉक्टर के पास ले जाएंगे? असल में मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन से मीटिंग है वरना हम उन्हें ले जाते। अब हम निम्रा को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। जी जी भाभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ले जाऊंगी आबान को, आप तो जानती है ना आबान मेरी जान है, डोंट वरी मैं ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच रोशनी, हम जानते हैं कि आबान की सबसे ज्यादा केयर आप ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाभी अब आप रेस्ट करें, आप फिक्र नहीं करें, आबान मेरी नजरों में, निम्रा को मैं समझाती हूँ बताती हूँ लेकिन उसका तो ऐसे जैसे कि वो ना सुनना चाहती है ना समझना चाहती है, बस हर बात में अपनी मनमानी करना चाहती है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, आप थक गई होंगी, जाइए रेस्ट कीजिए। ओके गुड नाइट बाबू। गुड नाइट। आलम जरा आप ऊपर से अबान बाबा को बुला कर लाएं, हमें उसको अस्पताल लेके जाना है। मैडम वो अबान बाबा तो चले गए। चला गया? क्या मतलब? कहाँ गया? निम्रा मैडम लेकर गई। निम्रा के साथ? और तुम ही मुझे अभी बता रहे हो? जाओ यहाँ से। जी। निम्रा जो तुम ये खेल खेल रही हो ना इसमें तुम बहुत पछताओगी, तुम सही नहीं कर रही हो। डॉक्टर सब सब ठीक है ना? निम्रा आई कांट लीव इट, अबान के साथ इतना सब कुछ होता रहा। क्या होता रहा अबान के साथ, साफ साफ बताएं ना डॉक्टर प्लीज, अबान ठीक तो है ना? निम्रा अबान के दूध सैंपल और ब्लड रिपोर्ट दोनों में ये चीज़ देख के वाजा हो रही है कि अबान को स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर ड्रग्स दी जाती रही है। मुझे तो ये सब देखकर टेंशन हो रही है कि अबान को जानबूझकर मफलूज किया जा रहा है। निम्रा ये तो पुलिस केस है, कोई अबान को जानबूझकर जहनी माजूर बनाना चाहता है, हमें ये सब मिसेस रीना को बताना होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप प्लीज़ मॉम को कॉल मत करें अभी, डॉक्टर मेरी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन निम्रा अबान की डॉक्टर होने के नाते मैं ये मिसेस रीना से नहीं छुपा सकती, हमें मिसेस रीना को इन्फॉर्म करना होगा। डॉक्टर प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं अबान की बीवी हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ,
लेकिन अभी ये बात मॉम को नहीं पता चल सकती। ये जो कुछ भी कोई कर रहा है ना, ये रीना हाउस से ही कर रहा है, अगर मॉम को पता चल गया तो अब उनकी जान का खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने उस शख्स का पता लगाना चाहती है जो ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि वो अबान की जान का दुश्मन बना हुआ है, उसका क्या फायदा होगा इस सब में। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरी बात मानिए, अभी मॉम को नहीं बताएं। निम्रा, तुम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। वो जो कोई भी होगा मिसेस रीना उसका खुद पता लगा लेंगी। तुमसे फिर एक बार कह रही हूँ, मिसेस रीना को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। देखो निम्रा, हमें अबान की मेडिसिन चेंज करना होगी, और फिर ये मिसेस रीना की नॉलेज में लाए बिना मैं ये स्टेप नहीं उठा सकती। बस डॉक्टर, चंद दिन दे दीजिए, प्लीज ट्रस्ट मी, आप तब तक अबान की मेडिसिन चेंज कर दें और उसका जो भी ट्रीटमेंट होना वो मैं करवाती रहूँ, चाहे टेक केयर ऑफ हिम, बट मुझे कुछ दिन दे दीजिए, फिर आप करनी चाहिए सब फोन कर जाए, जहाँ मुझे लगेगा कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मैं खुद मॉम को इन्फॉर्म कर दूँ। प्लीज डॉक्टर, मुझे आपका साथ चाहिए होगा इस सब में। निम्रा, मेरा दिल तो नहीं मान रहा, और ना ही मेरा ये प्रोफेशन मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन तुम्हारा कंसर्न देखते हुए मैं अबान की न्यू मेडिसिन लिख रही हूँ, तुम्हें इसे स्टार्ट करवाओ। और हाँ, तुम्हें कुछ घंटों बाद अबान का ब्लड प्रेशर चेक करना होगा, तुम ये इक्विपमेंट बाहर से ले लो, और चंद दिनों के लिए हमें ब्लड प्रेशर के हवाले से अबान को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मैं सब कुछ करूँगी, आई विल मेक श्योर कि अबान ठीक हो जाए। अबान, यू आर वेरी लकी कि आपको इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है। तुम निम्रा का ख्याल रखा करो। अबान तो बहुत ख्याल रखता है निम्मो का। बताओ ना, अबान को निम्मो का ख्याल रखने की जरूरत नहीं, निम्मो है अबान का ख्याल रखने के लिए। वो अभी हमने आइसक्रीम खाने जाना है ना, तो उठो चलें। थैंक यू डॉक्टर।